बिहार में एक बार फिर पुलिस के इकबाल पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं। इसकी एक बानगी बिहार के मोतिहारी में देखने को मिली। चंपारण का आतंक माना जाने वाले रवि रंजन ने मोतिहारी से कुछ दूरी पर एक रंगीन पार्टी का आयोजन किया। इसमें वो सब कुछ था जिस पर सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। रवि रंजन हाथ में पिस्टल लेकर बार बालाओं के साथ पूरी रात नाचता रहा। लोगों के बीच अपना भय पैदा करने के लिए वो बार बालाओं के साथ नाच के दौरान जमकर फायरिंग भी किया। इसके बाद उसने अपने इस पार्टी का वीडियो भी जारी कर दिया। सूत्रों का कहना है कि इस पूरे वाक्या की सूचना पुलिस को थी, लेकिन डॉन की रंगीन पार्टी तक पुलिस यहां नहीं पहुंची। जब पार्टी खत्म हो गई तो पुलिस डॉन को गिरफ्तार करने पहुंची। रवि को ख्यात अपराधी बबलू देव का शूटर हुआ करता था। बबलू देव की हत्या के बाद रवि रंजन नहीं अब उसका पूरा काम देखता है।